सबको सबको अपनी अपनी चिंताएं, ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे हो गया तो। ये दो बेसिक लाइनें हैं, दो मूल पंक्तियां हैं, ये हर चिंता का यही कारण होता है कि जैसा मैं चाहता हूं अगर वैसा ना हुआ तो। बच्चे को अपनी चिंता है, बूढ़े को अपनी चिंता है, पति की अपनी चिंताएं हैं, पत्नी की अपनी चिंताएं हैं, गरीब की अपनी चिंताएं हैं, अमीर की अपनी चिंताएं हैं। वाणी में गुरु साहब जी फरमाते हैं, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी से फिरे परमंता। कि गरीब को चिंता है धन कमाने की, तो अमीर को चिंता है धन संभालने की। कि संभालूं कैसे, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, कहीं चोर ना आ जाएं। वाणी कह रही है कि जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी से फिरे परमंता। अब जब ये चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो कई तरह के मानसिक रोगों को जन्म देती है, और फिर आगे चलकर यही मानसिक रोग कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों को जन्म देते हैं। पातशाह ने, गुरु साहब जी ने सारे संसार पे जब नजर मारी तो देखा कि कोई भी चिंता मुक्त नहीं है, सबको किसी ना किसी बात की चिंता है। और सबसे बेसिक चिंता, मूल चिंता जो है वह रोजी रोटी की है, कि आज मिली है कल मिलेगी कि नहीं। वाणी में पातशाह फरमाते हैं, चिंतत ही दिसे सब कोई, कि मैंने सारे संसार पर नजर मार कर देखी, गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, पर मुझे बिना चिंता के कोई भी नजर नहीं। चिंतत ही दिसे सब कोई, तो अब क्या किया जाए। जब बीमारियां लग जाती हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक ही बात कहता है कि टेंशन मत लिया करो, चिंता मत लिया करो, क्योंकि ये बीमारी की जड़ चिंता ही है। अब डॉक्टर से पूछो, भाई कोई दवाई दे दे, तो कहता है कि चिंता की तो कोई दवाई बनी ही नहीं। सच है साध संगत जी, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चिंता की कोई दवाई नहीं। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, कि दुनियावी पढ़ाई जहां खत्म हो जाए, परमार्थ की पढ़ाई वहां से शुरू होती है। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, मेरे पास आ, मैं तुझे ऐसी दवाई देता हूं चिंता खत्म करने की, मेरे पास आ, मैं बताता हूं। पर बात इतनी सी है, जो खाएगा बीमारी दूर तो उसी की होगी जो दवाई खाएगा, दवाई खानी पड़ेगी। अब दवाई क्या है, श्रवण कीजिए। चिंतत ही दिसे सबको, चेते एक ताही सुख हो, कि एक का सिमरन कर, एक का ध्यान कर। कहने का भाव के नाम जप ये दवाई है चिंता दूर करने की। बाबा नंद सिंह जी महाराज एक वचन किया करते थे, बड़ा ही सरल वचन, कि चिंता छोड़ और चिंतन कर, तेरी चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं, कुछ कम ज्यादा होने वाला नहीं, जो तेरे माथे पर लिखा है कोई और लेके नहीं जा सकता, तू क्यों चिंता करता है। वाणी फरमा रही है कि चिंतत ही दिसे सब कोई, चेते एक ताही सुख हो। चिंता छोड़, चिंतन कर। मूल कारण चिंताओं का पता क्या है, मूल कारण
जब हम अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं कि अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे घर में सब भूखे रह जाएंगे, मैं दुकान पे ना जाऊं तो दुकान तो बंद ही हो जाएगी। ये मैं, ये कर्ता भाव, यही मूल चिंता का कारण है। एक राजा एक राजमहल बनवा रहा था, ध्यान दीजिए साथी, एक राजा एक राजमहल बनवा रहा था। सैकड़ों मजदूर पत्थर का काम कर रहे थे, पत्थर को तराशने का काम कर रहे थे। वहां पर राजा के विद्या गुरु आते हैं और कहते हैं, राजन तेरे पास एक महल तो है, फिर दूसरा क्यों बनवा रहा है? कहने लगा, गुरुजी मेरे मन में दया आ गई। अब देखिए हजारों सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, पत्थर की नकाशी कर रहे हैं, अगर मैं जी राजमहल ना बनवाऊं तो बेचारों की रोजी रोटी का क्या होगा? इन्हें मैं खिला रहा हूं तो खाते हैं, मैं रोजी रोटी दे रहा हूं तभी इन बेचारों के घर चलते हैं, इनके लिए मैं राजमहल बनवा रहा हूं। विद्या गुरु बड़े ज्ञानी थे, कहने लगे, राजा एक पत्थर उठा के ला। राजा पत्थर उठा के ले आया। अब गुरु कहने लगे, इस पत्थर को बीच में से तोड़ दे। तो जैसे ही पत्थर को बीच में से तोड़ा, उसमें कुछ कीड़े चल रहे थे, पत्थर के अंदर कीड़े होते हैं, मैंने बहुत सारे पत्थरों को तोड़कर देखा है, उनके अंदर कीड़े होते हैं। गुरु महाराज कहने लगे कि राजन अगर इन मजदूरों को तू खिला रहा है तो ये बता इन कीड़ों को कौन खिला रहा है? अगर तू कहता है कि इन मजदूरों की रोजी रोटी तू है, इनका जरिया तू है, तो इन कीड़ों की रोजी रोटी का जरिया कौन है? साथ संगत जी, आप जो शब्द श्रवण कर रहे हो, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है, दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार ने 84 लाख जोनियां पैदा की हैं, 84 लाख, उनमें से 42 लाख जोनियां पानी के अंदर रहती हैं, पानी के अंदर। अब सुन रहे हो ना शब्द, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है, जल में है जंतु उपायन, तिना भी रोजी दे, उत्थे हट ना चल रही ना को किरस करें। पाशा फुरमाते हैं कि पानी के अंदर 42 लाख जोनियां रहती हैं, अभी वहां पर कोई दुकान नहीं है, उत्थे हट ना चल रही ना को किरस करे, वहां पर कोई खेती बाड़ी भी नहीं कर रहा, सौदा मूल ना हो गई, ना कोई सौदेबाजी हो रही है, ना कोई लय ना दे, ना कोई वस्तु खरीद रहा है, ना कोई वस्तु बेच रहा है, पानी के अंदर भी 42 लाख लोगों को रोजी मिल रही है तो तुझे नहीं मिलेगी, क्यों चिंता करता है? गुरु साहिब जी में सिर्फ कुछ ही शब्द ऐसे आए हैं जिनमें एक पंक्ति दो बार आती हूँ, ये वैसा ही शब्द है, दो बार महाराज ने समझाया है कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है। तो क्यों चिंता करता है? सबसे बड़ी चिंता है रोजी रोटी की, पर जब मालिक पानी के अंदर दे रहा है, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को दे रहा है तो तुझे नहीं देगा। आओ साथ साथ में शब्द पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही करो, नानक चिंता मत करो।